संपूर्ण खबर को आसिबा उत्तरकाशी एक बस दुर्घटना रे 26 जन जीवन जाई चार जन यात्री आहत होती 30 जन यात्री को नहीं जमुनोत्री जाऊथिबा बस टी 507 नंबर जातीय राजपथ डामटा निकट रे 500 मीटर तलक खसी पड़ा एथिरे 26 जन मृत्यु होई सूचना पाइबा परे एनडीआरएफ जवान को सहायता रे उद्धार कार्य आरंभ होईथिला वर्तमान उद्धार कार्य शेष होई स्थानीय एसपी अपर्ण रघुवंशी कहिछंती जे डामटा रु पाखापाखी 2 किलोमीटर दूर नौगांव निकट रे भरी दुर्घटना घटी बस रे थिबा यात्री माने मध्यप्रदेश पन्ना जिलार आहत मानक उद्धार कर तुरंत मेडिकल पठा जाई घटना पई दुख प्रकाश करछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मृतकों परिवार को 2 लाख और आहतों परिवार को 50,000 टंकार सहायता राशि घोषणा करिछंती प्रधानमंत्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल परिदर्शन करिबे पन्ना जिला की पूरा प्रोसीजर थे उसमें तीर्थयात्री और हम चूंकि 23 आदमी छतरपुर मतलब हमारी सीमा से लगे हुए गांव है तो हम छतरपुर जिला के हैं तो साथ में थे गाड़ी में टूरिस्ट में आए थे 67 आदमी थे बड़ी गाड़ी स्लीपर में हरिद्वार से अलग अलग गाड़ी में बैठ के आए तो वो गाड़ी दो गाड़ी में तो इसमें 28 सवारी थी और हम लोग 41 दूसरी गाड़ी में थे तो वो गाड़ी आ गई थी 10-20 मिनट आगे निकल आई थी तो अब आगे जब यहाँ आए तो मान लो गाड़ी खड़ी थी रोड पे उन का कोई गाड़ी गिर गई तो अपन ने देखा तो मान लो कोई नज़र में समझ में नहीं आई फिर आगे गए जब उन लोगों को फ़ोन लगाया तो उस आदमी ने एक जो उसमें रहा है उसने फ़ोन उठाया कि गाड़ी जो है गिर गई घटना स्थल तो फिर हम लोगों ने गाड़ी लौटाई और वहाँ खड़े हो गए फिर आके यहाँ आए तब तक सब पुलिस हमला सब लोग आ गए आप लोगों ने एमपी में उनके घरों तक सूचना पहुंचाई हमने नहीं पहुंचाई सर टीवी में सब पहुंच गया और उन लोगों के फोन आने लगे मेरे पास ना तो मैंने सबको फिर बता दिया है सर आप लोगों ने भी अपनी यात्रा यहीं पर रोक दी फिर यहीं पर रोकी है मैंने अपनी यात्रा स्पष्ट तौर पर ये बात कोई बोलने को तैयार नहीं है कि हादसे के असली कारण क्या थे लेकिन जो लोगों से बातचीत करके जो जानकारी मिल रही है जो बसें आगे पीछे थी जो वाहन आगे पीछे थे जिन्होंने मौके पर इस घटना को देखा उनका कहना है कि जो बस चालक है वो आगे वाली बस को अपने से आगे चल रही बस को लगातार ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था क्योंकि यहाँ पर यह दुर्घटना स्थल है आप देखेंगे कि पूरे 90 डिग्री के एंगल पर ये बस यहाँ से गिरी है बस सड़क से आप ठीक ऊपर करीब 300 मीटर की हाइट पर सड़क है यहाँ पर सड़क काफ़ी चौड़ी है अन्य जगहों की अपेक्षा तो यहाँ पर ड्राइवर ने उस बस को ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन चूँकि सड़क पर हल्का सा कर्व है सामने से विपरीत दिशा से एक और गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी उसको बचाने के प्रयास में उससे बचने के प्रयास में जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा वो कंट्रोल नहीं रख पाया गाड़ी पे और बस यहां से खाई में जा गिरी ये दुर्घटना की अभी असली वजह बताई जा रही है क्योंकि बस जब हरिद्वार से चली थी तो वहां पर एआरटीओ द्वारा बकायदा इसको चेक किया गया था इसको ग्रीन कार्ड भी वहां से इशू हुआ था और जो यात्री थे इसमें 28 के 28 यात्री उनका भी बकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया था क्योंकि दुर्घटना के जस्ट बाद जब सूची आई तो सभी यात्रियों की यहां पर लिस्ट आ चुकी थी इस दुर्घटना में इस बस में 14 महिलाएं सवार थी तो 14 जेंट्स इस बस में सवार थे इसके साथ साथ एमपी के यात्रियों की एक और बस भी थी ऋतु जिसमें 41 लोग सवार थे और ये दोनों बसें चूंकि आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो ये दोनों बसें हरिद्वार से एक साथ चली थी यहाँ पर दुर्घटना स्थल से कुछ पहले दोनों बसें आपस में कुछ डिस्टेंस उनमें बन गई थी यही कारण रहा कि जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जो दूसरी बस थी जिसमें 41 लोग सवार थे उनको जानकारी नहीं मिल पाई कि हमारी बस के साथ कुछ अनहोनी हो गई है लेकिन कुछ आगे चलकर जब उनको इस आभास हुआ जब सूचना मिली कि कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उन्होंने साथी यात्रियों को फोन किया किसी का फोन नहीं मिला सौभाग्य से एक यात्री का फोन मिला जो इसमें बुरी तरह से इंजर्ड थे इसी खाई में वो गिरे हुए थे तो उन्होंने सूचना दी कि मैं खाई में गिरा हुआ हूँ यहाँ पर हमारी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है उसके बाद जो एमपी के जो सभी 41 यात्री थे दूसरी बस में जो सवार थे वो वापस लौटे तो यहाँ पर देकर वो भी हतप्रभ रह गए भौंचक्का रह गए क्योंकि कुछ देर पहले ही उनकी आपस में मुलाकात हुई थी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पहले डामटा है वहाँ से वो लोग फिर से दोबारा से बसों में सवार होकर आगे के लिए बढ़े थे लेकिन शायद उनको किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद ये दर्दनाक हादसा यहाँ पर घटित होने वाला है जी नवीन मंत्रिमंडल शपथ नहीं मंत्री माने आज दायित्व ने गतकाली शपथ नहीं 21 जन मंत्री शपथ पाठक रही थे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल रणेन्द्र प्रताप स्वाईं को गुरुत्वपूर्ण कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग सह मत्स्य और प्राणी संपद विभाग मिली पूर्व भि अर्थ विभाग बजाय रखिंट निरंजन पूजारी एथसह निरंजन को संसदीय व्यापार विभाग दि जा
सेपरि जगन्नाथ सारकांकु मिलिछि अनुसूचित जाति ओ जनजाति कल्याण विभाग आइन विभागर दायित्व मध्य दिया जायछि। जंगल परिवेश पंचायतराज और पानी जल सूचना और लोकसंपर्क विभाग मंत्री होती प्रदीप अमात। प्रमीला मल्लिक को राजस्व विपर्य परिचालना विभाग दिया बेले उषा देवी को गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग दायित्व मिली। प्रफुल्ल मल्लिक को इस्पात और खणी पूर्त विभाग मंत्री करा प्रताप केशरी देव को शिल्प एमएसएमई और शक्ति मंत्री करिछन्ति नवीन। अतनु सब्यसाची नायक हाथ में दिखाई खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग सह समवाय विभाग और नवकिशोर दास पुनर्वार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होती। टुकुनी साहू को जल संपद वाणिज्य और परिवहन विभाग मिली। अशोक चंद्र पंडा को सब विभाग रिपीट कर विज्ञान और कारीगरी साधारण उद्योग सामाजिक निरापत्ता और भिन्नक्षम सशक्तिकरण दायित्व दिखाई अशोक को। नुआकरी मंत्री होता राजेन्द्र ढोलकिया को योजना और संयोजना विभाग दिखाई। शपथ नेबा परे गतकाल रात्रि महाप्रभुंका आशीष नेइछन्ति एकाधिक मंत्री। मंत्री अतनु सब्यसाची नायक, टुकुनी साहू, प्रदीप अमात, प्रफुल्ल मल्लिक, प्रमीला मल्लिक श्रीमंदिर को जाई दर्शन करिछन्ति। शपथ पाठ परे विभाग बंटन होइथिला। आज मंत्री माने दायित्व नै पारन्ति। ता पूर्वरु जगन्नाथंका आशीर्वाद भिक्षा करिछन्ति मंत्री माने। आम विभाग मध्यम से कार्यक्रम आम जो करेंगे आवरान्वित करूँ और आप जानते आम विभाग द्वारा जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा कार्यक्रम चलिए ये भले हम और आज सुप्रीमकोर्ट जो जजमेंट देखिए तेनाली आशा करी से कार्यक्रम शेष हो। मान्यवर मुख्यमंत्री 4.5 कोटी ओडियांकर आशा विश्वास जहाँ सरकारी योजना करें लोकमान पाखे पहुंचे आम प्रथम कर्तव्य। प्रिय मुख्यमंत्री जो समय जहाँ भी दायित्व देखते सुचारू रूपे मोर शक्ति मत परिचालन कर आगामी दिन में ये जो सब विभाग मत प्रिय मुख्यमंत्री देखते ठीक भाव परिचालन कर महाप्रभु को ही मुंडिया मारिक आशीर्वाद नौ तेणु आज जो गुरु दायित्व दि जाए दायित्व नापर आज महाप्रभु को प्रणाम कर आशीर्वाद मागुच कि भाव से शक्ति दिंतु ए दायित्व को ठिकना भाव में निभेबु लोकों पाई लोकों सेवा। अजणा गाड़ी धक्कारे ऑटो चालकों मृत्यु 16 नंबर जातीय राजपथ चंडीखोल छक निकट घटी दुर्घटना। सूचना अनुसार एक ऑटो धनिया पत्र बोझे करी कटकरु बारबाटी अभिमुखे जाउथिया बेले चंडीखोल छक निकट गोटे अजणा गाड़ी धक्का होता फल ऑटो ड्राइवर गाड़ी में चापी होगा सह घटनास्थल मृत्यु हो जाता। घटनास्थल में चंडीखोल अग्निशम बाहिनी पहुंची गाड़ी को कटर साहाय्य काटि मृतदेह को बाहर करते मृतक हेले कालिया बेहरा घर को आखिया थाना सिंगापुर अंचल बोली जमापड़ बड़चणा पुलिस मृतदेह जबत करने घटनार तदंत कर। देवगढ़ सहर में मातिछन्ति जंगली माकड़ माकड़ उपद्रव जो असुरक्षित हो पड़िछन्ति सहरवासी घर भितर लोके भी माकड़ उपद्रव बर्ती पारुना। देवगढ़वासी वर्ष वर्ष धरी माकड़ उपद्रव में घाटी होता बेले एवं जिला प्रशासन डाकी जरूरी बैठक आ उपद्रव कमाइबाक विभिन्न पदक्षेप निया जिलापाल कहते। रक्तमुखा माकड़ों कब्जे में देवगढ़ सहर माकड़ आक्रमण में प्रतिदिन कहीं ना कहीं गुरुतर आहत होती विशेषकर छात्र छात्री और वयस्क लोके माकड़ आक्रमण शिकार होती क्या एकुटिया पाइले दल बड़ सह माकड़ माने आक्रमण कर घर भितर लोक और सामग्री भी एम कबल बर्ती पारि ना विभिन्न पर्यटन स्थल में पर्यटक मान भी माकड़ उपद्रवर तिक्त अनुभूति नहीं फेरुंट घर छात उपर लोके तौक खसी पड़ता भाई घटना घटू वर्ष वर्ष धरी माकड़ों आतंक लग रही बेले गत किसी मस धरी यह चरम सीमार पहुंची। आमर जो परिवा मार्केट ठू आरंभ कर अन्यान्य दोकान मानक उपद्रव नचोरवा सहित मचेवा सहित से घरे घरे भी ढुकी जाउछन्ती लोक मानक आक्रमण करने को पछौना विशेषकर बाहर आसुवा पर्यटक मैंने प्रधानपाट स्थल को भूल देखी भी पार ना बाहर को बाहर वाले भी डरुँच स्पेशली प्रधानपाट बागे गोटे पर्यटन स्थल में बर्तमान लोक मैंने बुले जावा भी डरुन बाहर जो आस पर्यटक मैंने भी बहुत मानने ईर पड़ुं हईराण होती कार मानने देह खंडिया हो जाए आउ लोक मैंने सका जो मणिवाग भी जाने भी बहुत हैरान फेस कर स्पेशल लेडीज मैंने। माकड़ उपद्रव जिला प्रशासन और वन विभाग पर मुंड व्यथार कारण पलटि समाधान जिलापाल जरूरीकालीन बैठक करिछन्ति। माकड़ उपद्रव में रोक लगे प्रशासन पक्ष विभिन्न पदक्षेप ग्रहण कर जिलापाल
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ रु आमर म्युनिसिपैलिटी देवगढ़ म्युनिसिपैलिटी अच्छी सब लोक अच्छा मिसिकी आम जो अच्छे कंप्रेहेंसिवली आम विल टैकल कि आम कमी जो माकड़ प्रॉब्लम अच्छी देवगढ़ टाउन से कम आम पूरा चेषा कर म्युनिसिपैलिटी साइड रु प्रत्येक वार्ड में कमी अवेयरनेस ड्राइव करेंगे लोक मूँ सचेतन करेंगे कौन कौन से कले माकड़ मानक उपद्रव रक्षा पाई आम जो बणभोज कर प्रधान पार्ट कुरोट कोर्टे से रेगुलेटेड वे स्ट्रक्चर्ड वे हम जोद्वारा माकड़ मैंने जो असुविधा कर खाया पर्यटन से हम ताप पदक्षेप निब राति पाहिले माकड़ों जो बाजी लगुच धनजीवन लोगों को सुरक्षा देवे फेल मारी वन विभाग जिला प्रशासन पदक्षेप रही समस्त नजर देवगढ़ संजीव पाणिग्राही न्यूज 18 ओडिया।